हाय गाइस, सो बेसिकली ये वीडियो एक रिव्यू वाली वीडियो है गाइस, जिसमें मैं कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स का रिव्यू करूँगा, जो कि एक 18 शेड वाला पैक है। ठीक है, तो अब इसे ओपन करेंगे। सो गाइस, इसे खोलने के बाद सबसे पहले एक स्लिप निकलेगी जिसमें वाटर कलर्स के नाम होंगे। ठीक है, और उसके नीचे एक कवर होगा कुछ इस तरह का। सो गाइस, ये नॉर्मली 220 का मिलता है लगभग, पर मुझे 100 रुपये का मिला है, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा सा टूटा हुआ है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल से मिल रही है। ये भी मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कलर सारे सलामत हैं, ठीक ठाक हैं, और जो एक इसके साथ ब्रश मिलता है वो भी नहीं मिला, और उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ब्रश मेरे पास सारे हैं। सो गाइस, अब ये कलर्स करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें कैसा लगता है। ठीक है, सो गाइस, बेसिकली वीडियो टाइम वेस्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें जो इमेज आपकी स्क्रीन पर बनी आ रही है ये मैं पेंट करूँगा वाटर कलर में, और साथ साथ आप भी ऑब्ज़र्व करते चलना कि आपको ये कलर्स कैसे लग रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा कि ये कलर्स मैं यूज़ करने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ, और क्या ये कलर्स आप एंट्रेंस में यूज़ कर सकते हो नहीं, तो इस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है,
गाइज़ आई होप कि आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया होगा। तो अब मैं आपको कुछ अपने व्यूज़ बताता हूँ कि मुझे पर्सनली कलर्स कैसे लगे। तो सबसे पहले कुछ अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ जो स्किन टोन आप देख रहे हो फेस वगैरह में, मुझे बहुत शानदार लगी। और इससे एक बात ये पता चलती है कि हम इन कलर्स से अच्छा खासे पोर्ट्रेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और एक बात जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी थी कि केक कलर्स जो होते हैं वो डल होते हैं, बट मुझे तो ऐसा कोई ख़ास इनमें डलनेस नज़र नहीं आ रही गाइज़, आप ख़ुद भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छे खासे ब्राइट हैं। और इन कलर्स की एक अच्छी बात ये भी है कि ये इजी टू यूज़ हैं, क्योंकि आप देख सकते हो साइड में एक कलर पैलेट है, आराम से कलर्स गीले करो और साइड में कलर्स बनाओ और शुरू हो जाओ, ठीक है। सो गाइज़ अब कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लेते हैं इन कलर्स के। तो एक ख़राब बात जो मुझे लगी इन कलर्स में वो ये है कि जो इन कलर्स के पिगमेंट्स हैं वो थोड़ी लो क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं से जो स्ट्रोक्स हैं वो ब्रेक हो जा रहे हैं। और दूसरी ख़राब बात यह है कि गाइज़ जो कलर पैलेट है वो स्टील की बनी है, इसलिए जब आप कलर्स बनाओगे तो वो कलर्स कुछ रबर की तरह खींचेंगे, ठीक है। तो शुरू शुरू में जब आप ये यूज़ करोगे कलर्स, तो एक कलर पैलेट थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, बाकी यूज़ करते करते आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। सो गाइज़ अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि क्या आप ये कलर्स एंट्रेंस में यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, आप बिंदास ये कलर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक डिसलाइक जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।